जय भीम। बताओ कौन बात कर रहे हैं। जय हिंद। मैं विक्रम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो विक्रम जी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी। अच्छा ठीक है। हाँ। क्यों नाम किसी का खराब कर रहे हो आप? किसमें नाम खराब किया है? तो किसमें नाम खराब? आप ब्राह्मण हो? आप ब्राह्मण हो? नहीं, नाम किसमें खराब किया है वो बताइए ना। पंडितों का किया है। कैसे? देख लो तुम, आप सोच लो कैसे किया है बताओ। तो पहले तुम ऐसे ये बताओ। नहीं, नाम कैसे खराब किया है वो बताओ पहले। मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा। आप पहले वही उसी विषय पर बात करो ना। पहले नाम कैसे खराब? उसी विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। आप पहले बताइए मुझे। जी चौथ का व्रत है जो कौन सी देवी का है? उस विषय पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नाम कैसे खराब किया। मैं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं बात कर रहा हूँ, बताइए आप। नहीं तो जरूरी तो नहीं है ना, आप जो जानकारी मांगोगे वो जानकारी मैं आपको दुरुस्त कर दूं। जानकारी आप मेरा उस विषय पर ज्ञान, मेरा उस पर ज्ञान हो ऐसी बात जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, आपका ज्ञान ना हो तो आप देवताओं की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझे पता होगा तो मैं गलत नहीं बोलने दूंगा। हमारे देश में कितने देवी देवता है बताओ पहले, ये बताओ। नहीं तो आप ही बता दो, तुम बताओ। तुम मानते हो देवता को? मैं नहीं मानता हूँ। हाँ तो नहीं मानते, लेकिन आपको पता सारा है, भले ही नहीं मानते होंगे आप। हम नहीं मानते मंदिर को, नहीं मस्जिद को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। नहीं, मस्जिद को नहीं मानते, ये बात बोलने की तो हिम्मत नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना। आप जो सवाल उठाते हो ना मंदिरों पे उठाते हो, ये जो जीव है ना आपकी 2 इंच बड़ी हुई, वो मस्जिद में कभी नहीं बोलेगी। समझ में आ रहा है ना? मैं मंदिरों पे नहीं उठाता, मैं भीमराव पे उठाता हूँ। भगवान को मानते नहीं हो, और जो जिंदा हो गया आपके बीच में से गया है उसके बारे में तुम जय लगा के बोलते हो। किस आधार पे जय भीम बोला आपने मेरे को फोन करते ही? किस वजह से जय भीम बोला? क्यों जय भीम बोला आपने मुझे? क्यों क्यों बोला बताओ मुझे। नहीं, किस किस आधार पर बोला आपने बताइए। पहले ये बताओ, आप नहीं बोलते क्या? आप नहीं बोलते ना? हम बोलते हैं, हमारे अंदर हिम्मत है। हमारा हिम्मत कुछ नहीं है भाई, अज्ञान का पिटारा है। पिछले 75 सालों से जब सच्ची बात कड़वी लगती है ना, 75 सालों से जातिगत आरक्षण के नाम पर जो खैरात खा रहे हो ना, जो भीख खा रहे हो ना, ये अपनी मनोवैज्ञानिक ज्ञान है ना, ये मेरे पे शक्ति थोपने की कोशिश मत करो। मैंने शास्त्र भी पढ़ा है, मैंने शास्त्र पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं करते, और भीमराव को भी पढ़ा होता ना तो भी ऐसी बात नहीं करते। तुमने किसी को नहीं पढ़ा है, तुमने केवल वामपंथी विचारधारा को और ये जो दोगले चरित्र के जो नेता है उन लोगों को पढ़ा है, उन लोगों को सुना है, और वो भी सोशल मीडिया पर। और नए नवेले नवबोध नेता हो और कुछ नहीं हो तुम। पहले मुझे उत्तर दो, हमारे देश में 36 करोड़ देवी देवता है। कितने हैं? क्या कितनी है? कितने हैं? 36 करोड़ देवी देवता बताते हैं। किसने कहा 36 करोड़ देवी देवता है? वो तुम मानते हो नहीं उसे। नहीं, शर्म नहीं आती? बेहुदा बात कर रहे हो, 36 करोड़ देवता है, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? जिसने पैदा किया उस माता से पूछो, किसने किसने कहा 36 करोड़ देवी देवता है? बेवकूफी, माता से पूछो, वो बताएगी। आप जिस माता ने आपको बताएगी, पिता है उससे पूछो कि ये 36 करोड़ देवी देवता जो है ये किसने बताया आपको? शर्म नहीं आती है? गलत बात कर रहे हो, गलत बात तुम कर रहे हो। कहाँ लिखा है 36 करोड़ देवी देवता? मेरे मंदबुद्धि भाई सुनो, मेरे मंदबुद्धि भाई, अल्पज्ञानी भाई सुनो, 33 कोटि देवता कहा गया है। 33 कोटि को करोड़ मत कहो, ठीक है ना। ये वामपंथी व्यवस्था से विचारधारा बदलने का प्रयास मत करो। 33 करोड़, 36 करोड़, फिर बोलोगे अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, देश की जनसंख्या कितनी है। पहले बात सुनो मेरी, तुम बता दो कितने हैं देवते? 33 कोटि देवता कहा गया है, करोड़ नहीं। अपने ज्ञान को सुधारो, समझ में आ रहा है ना? ज्ञान को सुधारो। 33 कोटि, करोड़ नहीं। अपनी बुद्धि आज से ही उस बुद्धि के ऊपर। पहले देवता ने क्या किया देश के लिए? क्या करवाना था देवता से? देवता से करवाना क्या था? नेता से? देवता से क्या करवाना चाहते थे आप? नहीं, देवता से मैं कुछ नहीं, मैं देवता को मानता नहीं। तो आप नहीं, मैं आपको भी नहीं मानता है, इसका क्या मतलब हुआ? आप देखिए, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हैं, आप अपने पिता को भी नहीं मान सकते हैं, आप अपनी तरह से स्वतंत्र हैं क्योंकि देश आजाद है,
आप अगर आप नहीं आप अगर अपने पिता को भी कहोगे ना कि हम आपको नहीं मानते तो आप स्वतंत्र हैं। आप भगवान भगवान कैसे मानने लगे? अभी तो भगवान का आप कह रहे थे मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ। मेरा तो पिता भगवान है। अपनी बातों पे कायम रहो भाई, ठीक है? और है ना, अपने ज्ञान को सुधारो। जब समय मिले ना तो बाबा साहब अम्बेडकर को, स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को, इनको पढ़ने का प्रयास करो। और है ना, सोशल मीडिया से दूरी रख के, और है ना, इतना ज्यादा नवबोध नेता बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि सच्चाई से आप रूबरू नहीं हो पाओगे। सच्चाई जब आपको कही जाएगी ना तो ये कीड़े झड़ जाएंगे, जो ये तुम ताम ये वो। पहले बोलने का लहजा सुधारो, ठीक है ना? एक अच्छे नागरिक बनो हिंदुस्तान के। खाली पिछले 75 सालों से जो जातिगत आरक्षण के नाम पर जो खैरात खाई है ना, एक एक 1.5 रुपए किलो की गेहूं, उसको लजाओ मत, उसको शर्म मत मारो, उसको शर्म मत मारो। ये बात बताओ ना मुझे, रिकॉर्डिंग करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? किस चीज की? गलत कहोगे तो नंगा किया जाएगा बाजार में आपको। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग कर, अल्प ज्ञान की बातें करोगे तो नंगा किया जाएगा बाजार में, और बताया जाएगा कि देखो देखो ये व्यक्ति जिसके पास ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं है, कितना लोगों के बीच में जहर भरने का प्रयास कर रहा है। मैं जहर भर रहा हूँ? नहीं, क्या चाहते थे आप? 33 कोटी देवताओं से आप क्या चाहते थे वो बताओ मुझे। मानते हैं, इंदौर को मानते हैं, लोग ले जाते हैं पत्थर की बना के उसको कुएं में धकेल देते हैं। क्यों धकेल देते हैं? बड़े लोगों का राज था, उसमें वो मना लेते। अरे अपनी गिर गई तो भी मना ली, गिरा दी तो भी मना ली। बड़े लोगों का राज था, मना ली। केवल दंत कथाओं पे जिंदा रह रहे हो और कुछ नहीं है। ना शास्त्रार्थ ज्ञान है, ना शास्त्रार्थ की कोई बात है। कितनी कितना दिमाग में मलबा भरा है हिंदुओं के ऊपर, तुम्हारे दिमाग में मलबा भरा है, शास्त्रों के नाम पर मलबा भरा है, हर प्रकार से गंदगी है दिमाग में, और कुछ नहीं है। अभी निकला है, पहले हम भी देवता को मानते थे, ठीक है? हमारे तीसरा नेत्र खुल गया है। कहाँ खुल गया तीसरा नेत्र? कहाँ है तीसरा नेत्र? किस आधार तीसरा नेत्र कहाँ से आ गया? बाबा साहब चिपका के गए तीसरा नेत्र? अरे यार, बड़ी बड़ी मतलब बचकानी बातें कर रहे हो। तीसरा नेत्र खुल गया कहाँ से आया? तीसरा नेत्र कहाँ से पढ़ा तुमने? तीसरा नेत्र क्या होता है? किसके था तीसरा नेत्र? क्या किसके था तीसरा नेत्र? किसके था? किसके था? किसके बारे में पढ़ा था कि तीसरा नेत्र खुल गया? हर इंसान के कहाँ? मैंने तो देखा नहीं कोई भीमटों, तुम्हारे जैसे भीमटों को कोई तीसरा नेत्र दिखता होगा तो हमें पता नहीं। बाबा साहब को तीसरा नेत्र था, उसने खोल दिया। आगे उसके पीछे चलोगे तो सही रहेंगे। बाबा साहब की फोटो लगा के करवा चौथ का व्रत तोड़ते हो, बाबा साहब की फोटो लगा के फेरे लेते हो। अरे ये तीसरा नेत्र तुमको ही मुबारक हो भाई, तीसरा नेत्र तुमको ही मुबारक हो। देखते रहो इससे दुनिया, लेकिन हिंदुओं के ऊपर और ब्राह्मणों पे टिप्पणी करोगे तब नंगे किए जाओगे बाजार में। ये बात कान खोल कर सुन लेना। पहले तैयार होकर आओ, पहले तैयार होकर आओ, ज्ञान लेकर आओ। अल्प ज्ञानी बनकर बात करोगे तब मुंह पर गिली कर करके चिपकाया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। कैसे कैसे क्या बोलो, हम देंगे जवाब। ये जो आप जिस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हो उनको दिया है, और बुलवाओ और जवाब देंगे। लेकिन क्या चाहते थे देवताओं से ऐसा जो तुम अभी शिकायत कर रहे हो देवताओं से? चौथ का व्रत है, साल में 3 बार आता है। हाँ ठीक है ना, साल में 3 बार आता है। चौथ का व्रत सही तरीके से करने वाले के लिए तो साल में 24 बार आता है। सुनो मेरे अल्प 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 बुद्धि, मेरे मंद बुद्धि बालक, एक बात सुनो। चौथ का व्रत अगर सही मायने से कोई व्यक्ति करता है ना रीति रिवाज से, तो आता है साल में 24 बार, 4 बार नहीं आता है। ठीक है ना, अपने ज्ञान को सुधारो। 24 बार आता है, कोई तो पत्नी होगी ऐसी 24 बार व्रत करती होगी। हाँ ठीक है, व्रत तो एक ही साथी है। उसी व्रत के दिन क्यों उसका स्वाद छीन लिया जाता है, ये बताओ मुझे। मेरी बात सुनो, जो बाबा साहब की फोटो लगा के जिसने करवा चौथ का व्रत तोड़ा था 3 साल पहले, उसका पति जिंदा है क्या? उसकी गारंटी दे सकते हो क्या? उसकी गारंटी का सर्टिफिकेट बाबा साहब से लिखवा के दे सकते हो? अरे यार अजीब आदमी हो, आस्था और विश्वास का जो प्रतीक है उसको प्रैक्टिकल जमीन पे उतारने की बात कर रहे हो। मैं मेरी पत्नी को व्रत नहीं रखने देता। आप कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना आप स्वतंत्र है। आप अपने पिता को पिता भी ना माने तो कोई आपको नहीं कहेगा कि आप क्यों नहीं मानते हो, ठीक है ना? आप अपने पिता को ये कहोगे ना कि मैं आपको अपना पिता नहीं मानता, तो भी आप स्वतंत्र है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी पत्नी से व्रत करवाओ,
उठ बैठ करवाओ, हम कौन सा आपको कह रहे हैं कि वर्क करवाओ, मत करवाओ, आपका मन नहीं मानता है, आपकी आस्था नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, मत करवाओ ना। बार बार नाम क्यों ले रहे हो? मेरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इस मंदबुद्धि अल्प ज्ञान के भाई को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? माता पिता के हम चरणों में रहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम पास में नहीं रहते इसलिए बोल रहे हो माता पिता का? कुछ नहीं, नीला दुपट्टा डाल के जय भीम करते रहा करो, और कुछ नहीं है, और कुछ हाथ आना भी नहीं है तुम्हारे, क्योंकि दिमाग जो है ना, पूरा दिमाग जो पूरा है वो वामपंथी व्यवस्थाओं ने खत्म कर दिया है, गंदगी भर दी है दिमाग में, एक एक ट्रक गंदगी भर दी है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक नंबर के स्वार्थी व्यक्ति हो, जब स्वार्थ पूरा करना होता है तो 2 तारीख को जन्म जाति प्रमाण पत्र लेकर राशन की दुकान पर खड़े हो जाते हो, ठीक है, और उससे आज अगर ये जातिगत आरक्षण बंद हो जाए ना, तो यही बाबा साहब की अम्बेडकर की जो फोटो है ना, आपको आप पीपल पे टांग के आ जाओ। अभी जो कह रहे हो ना भगवान है, ये है वो है, ये आपको पता है, ऐसा करने से ये खिरात चालू रहेगी, ये भीख मिलनी चालू रहेगी, इसलिए इसका विरोध नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वजह से हिंदू धर्म पे और ब्राह्मणों की आस्थाओं पे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाने देंगे, बाजार में नंगा कर करके दौड़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ज्ञान है नहीं आप लोगों के पास, खाली इधर उधर से नंबर ले लेते हो और फिर ये दौड़ाई तो रहा हूँ। एक ब्राह्मण को तो फेस नहीं कर पा रहे हो, बात करते हो हिंदू की यार, एक ब्राह्मण को तो फेस नहीं कर पा रहे हो। बताओ 36 करोड़ कहाँ से पड़े, कहाँ से पढ़ा तुमने 36 करोड़ देवता, कहाँ से पढ़ा तुम्हारे, तुमने कौन सी किताब में से पढ़ा 36 करोड़ देवता होते हैं, कौन सी किताब में से पढ़ा? कैसे बोल रहे हैं 36 करोड़ देवता होता है? किसने कहा? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 33 कोटि देवता होते हैं। तुम एक नहीं कह रहे हो, तुम्हारे जैसे बहुत है आज पंडित। मुझे क्या लेना देना है उससे, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वो उतना ही मूर्ख है जितना तुम मूर्ख हो। सुना मेरी इतना जो अरे तो जो व्यक्ति बिना ज्ञान कुछ कह रहा है ना, वो तुम्हारे समकक्ष ही मूर्ख है, तुम्हारे जितना ही मूर्ख है। मूर्ख को अगर कोई दूसरा, सुनो, एक मूर्ख को अगर दूसरा मूर्ख कुछ कह देता है तो उस बात का इश्यू नहीं बनाते, ज्ञान का उपार्जन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले का रटन लगाते हो और उनको पढ़ो, अहिल्या बाई होलकर को पढ़ो, रानी लक्ष्मी बाई को पढ़ो, पढ़ोगे तब पता चलेगा। आप अपनी रोजी रोटी के लिए कह रहे हैं कि देवता है, आप अपनी रोजी रोटी के लिए कह रहे हैं क्यों? नहीं भाई, हमारी कोई रोजी रोटी है ना, हम किसी 1 तारीख को जाति प्रमाण पत्र लेकर खड़े होकर गेहूँ कहीं से नहीं लेकर आते हैं। हमारी रोजी रोटी पे सवाल मत उठाओ, हम योग्यवान व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, ठीक है ना। हमारी आप बराबरी नहीं कर सकते, आप 38%, 36%, 15% पे इधर उधर इनकम टैक्स ऑफिसर लगते हो, सरकारी जातिगत आरक्षण का फायदा उठाते हो और हमें चैलेंज करते हो, हमारी योग्यता पे चैलेंज करते हो, कभी चैलेंज नहीं कर पाओगे। अगर हिम्मत है ना तो यही मेरे नंबर पे व्हाट्सएप है, अगर यही सुनिए, सुनने की क्षमता बनाइए, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, अपनी जितनी शैक्षणिक योग्यता है ना उनकी मार्कशीट भेजो मुझे, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी मुझे कि तुम्हारी ज्ञान की स्थिति क्या है। अगर हिम्मत है तो भेजना, सुनो मेरी बात, हाँ मुझे भेजो। अगर तुम्हारे परसेंटेज डिस्टिंक्शन से 75% से ऊपर हुए ना, मैं मान जाऊंगा कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ। मुझे पता है इस तरह की बातें करने वाले लोग 32, 33, 35, 37, 38% ग्रेस लग के पास होते हैं और फिर इधर उधर से आरक्षण के आधार पर योग्यवान व्यक्तियों की जगह हथिया लेते हैं, 1-1,75,000 की पगारें पाते हैं और ज्ञान फैलते हैं। ब्राह्मण की आप कभी भी बराबरी नहीं कर सकते, आप अपने आप बोलिए, आप स्वतंत्र है इस देश में बोलने के लिए, लेकिन आप हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, आपका पेट निकाला है, आपको गणेश जी बना दिया पेट निकाल के देवता ने, और कुछ नहीं किया देवता ने, आपकी रोजी रोटी बन गई। देवता कोई हमारे खाते में 1 तारीख को RTGS नहीं कराता है यहाँ, बस हम उस देवता का गुण, हमारे देवता से तो बढ़िया, देवता के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली आप लोगों को ज्यादा तगड़ा दल बदलू मानता हूँ कि 75 साल पहले के बाबा साहब का घंटा बजाने से आपको हर 1 तारीख को गेहूं मिल रही है फ्री में। हम तो देवता के प्रति आस्था रखते हैं भाई, क्या पता भगवान दे दे, अच्छी बात है, लेकिन आपकी तरह नहीं है कि हर 2 तारीख को गेहूं फ्री में आ जाए, हर 2 तारीख को खाते में कुछ आ जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आती। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है,
काम करना पड़ता है और काम करके फिर हम हमारा परिवार चलाते हैं, गुजरान चलाते हैं। आपकी तरह जातिगत आरक्षण का प्रमाण पत्र दिखाकर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं लेते। भगवान दे देगा, तुम बैठ जाओ घर के। हिंदुस्तान के एक मिनट सुनिए, ज्ञान का उपार्जन करिए। हिंदुस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैन में से पूरे के पूरे 10 व्यवसायी जो है वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। घर बैठने से कुछ नहीं आता है। घर बैठने से आने के लिए एक जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जिसमें SC ST होना जरूरी है, तो घर बैठे राशन मिल जाता है। बाकी जनरल कास्ट के व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो मजदूरी करे चाहे वजन उठाए, लेकिन करनी पड़ेगी। लेकिन आप हमारी बराबरी, किस तरह की सोच वाले व्यक्ति हमारी बराबरी कहीं नहीं कर सकते, ठीक है? अरे कौन कर रहा है यार तुम्हारे बात की बराबरी। चलिए रख दीजिए, अगली बार अच्छी अच्छा ज्ञान लेकर ज्यादा पढ़ाई करके मेरे सामने आइएगा। अगली बार अच्छा पढ़ लिख कर आइएगा। सुनिए, अच्छा पढ़ लिख कर आइएगा। अभी तो मैं क्या सो रहा था, अगर मैं जगा हुआ रहता तो मैं और तरीके से समझाता, लेकिन अभी मैं सो रहा था। कोई बात नहीं, मुझे आराम करने दीजिए, मुझे आराम करने दीजिए, ठीक है? आप फोन रख दीजिए। आपका नाम क्या बताया आपने? आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम विक्रम। आप बहुत छोलिए। विक्रम के आगे पीछे भी होगा ना भाई, घर वालों ने दिया होगा ना, जिसको आप भगवान मानते हो, माता पिता ने आगे पीछे भी कुछ दिया होगा ना। विक्रम मतलब आगे जिस नाम से राशन लेके आते हो वो क्या है? जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखा है? नहीं, जाति प्रमाण पत्र का क्या करोगे? शर्म आ रही है ना अपनी जात बताने से? शर्म आ रही है और मेरे से चिढ़ रहे हो, मेरे से बहस कर रहे हो, मेरे से बहस कर रहे हो और अपनी जाति बताने में शर्म आ रही है? क्यों आ रही है शर्म? बोलो बोलो फिर, कौन सी जाति है? तुम्हें पता चल गया होगा कौन सी जाति है। मैं तो दहाड़ के बोल रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, सारस्वत ब्राह्मण, और तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते कभी भी। अरे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी जाति बताने में? बताओ मुझे क्या है आगे, विक्रम आगे क्या है? बोलो फिर क्या है विक्रम? हरिजन में भी 13 जातियाँ आती है। कौन सी जाति से हो? SC हो, ST हो, क्या हो? शर्म आ रही है? पानी होगा, चुल्लू पर पानी होगा, डूब के मर जाओ, ठीक है ना? मैं क्यों मर जाऊं? बताओ फिर जाति कौन सी है? हाँ, अब सुनो, अब मेघवाल हो ना, मेरी बात सुनो। अभी आपने बोला हरिजन, पहले तो इस शब्द का परिभाषित करके पढ़ के आना। आपने दादा परदादा पुरखों से और जिन्होंने जन्म दिया ना उसको पूछना कि हरिजन का मतलब क्या होता है। बेवकूफ, शर्म नहीं आती? हरिजन का मतलब जो हरि का जन है। हरि कौन? जो भगवान है, जिसने संसार बनाया। और यहाँ भगवान पे ज्ञान फैल रहे हो। पास में होते ना तो चंपाट लगाता मैं, क्योंकि मुझे ऐसी अल्प ज्ञानी लोगों से बहस करने का, ऐसे 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 अल्प ज्ञानी लोगों से बात करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मतलब उल्टा मतलब, जो हरी का मतलब उल्टा नहीं लगता। कहने को हरिजन कहते हो, मेघवाल जा, ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। मेरे ये जितने भी वीडियो वायरल होते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अल्प ज्ञानी विक्रम सुनो, मंदबुद्धि विक्रम सुनो मेरी बात, मंदबुद्धि विक्रम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये जितने भी वीडियो मेरे वायरल होते हैं उसमें ये मेघवालों को ही दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि मेघवाल भी अपने आप में SC ST समुदाय के अंदर अपने 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 SC ST जातियों के हक और अधिकारों को पिछले 75 सालों से खा रहे हैं। आप लोग बोल रहे हो, आप अपनी ही जाति के अंदर, हरिजन जाति के अंदर ही सेंसी, रेगर, थोरी और नायक समुदाय का हक खा रहे हो और मेरे ब्राह्मण से बराबरी की बात कर रहे हो। पहले अपना घर आंगन साफ करो, पहले अपनी जाति को सुधारो, फिर मेरे से बात करना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ सुधार कर बात करना।